सलमान खान ने ईद पर फैंस के लिए खोल दिया है अपना दिल। सिर्फ 249 रुपीस में पूरे परिवार के साथ होगी ईद की पार्टी। जी हां, अब तक खबरें थी कि 13 मई को OTT और TV पर राधिका फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप 299 रुपीस में देख सकते हैं, लेकिन अब सलमान खान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आप राधिका फर्स्ट डे फर्स्ट शो 249 रुपीस में देख सकते हैं। 13 मई को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होने के साथ ही राधे Z5 की पे पर व्यू सर्विस Zplex पर भी रिलीज होगी, जिसके लिए आपको महज 249 रुपीस खर्च करने होंगे। और इस बारे में सलमान खान फिल्म्स ने ट्वीट करके भी इन्फॉर्म किया है। इस ईद राधे और मोस्ट वांटेड भाई आ रहा है आपसे मिलने थिएटर में और सीधे आपके घर पे भी। वॉच इट ऑन Zplex ऑफिशियल एट ओनली रुपीज 249। आपको बता दें कि प्रभुदेवा की डायरेक्शन में बनी राधे ना केवल थिएटर में बल्कि उसी दिन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी आएगी। सलमान और जी ने पे पर व्यू फॉर्मेट के साथ राधे की रिलीज के लिए टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी और अन्य सभी सेवा प्रदाताओं के साथ भागीदारी की है। इन सैटेलाइट पार्टनर्स के ग्राहक राधे को निर्धारित चैनल पर 249 रुपीस में देख सकते हैं। ये एक ओवरऑल रिलीज प्लानिंग है जिसमें थिएटर, OTT के साथ TV पर राधे को देखने का मौका मिलेगा। वैसे UAE, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बड़े पैमाने पर थिएट्रिकल रिलीज के साथ राधे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 50 से ज्यादा देशों में रिलीज होगी। जाहिर है कि सिर्फ 249 खर्च कर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ घर पर आराम से बैठकर फिल्म का मजा ले सकते हैं और राधे देखने के लिए अब जल्द ही बुकिंग भी खुल जाएगी। जाहिर है कि फैंस से किया अपना कमिटमेंट पूरा करते हुए सलमान अपनी मच अवेटेड फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई को ईद पर ही रिलीज कर रहे हैं। कोरोना महामारी की दूसरी खतरनाक लहर को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद सलमान और मेकर्स अपना फैसला बदल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि भाई तो तैयार है अपने फैंस को फुल ऑन एंटरटेनमेंट देने के लिए। तो आप लोग भी 13 मई को तैयार रहिएगा अपनी फैमिली के साथ राधे को एंजॉय करने के लिए। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।